लखीमपुर खीरी के सिंहासन इलाके में स्कूल गई 3 छात्राएं अचानक गायब हो गईं। लड़कियों के अचानक गायब होने से परिवार के लोग परेशान हैं। शनिवार देर शाम जब तीनों छात्राएं अपने घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों ने स्कूल, कोचिंग और रिश्तेदारों में पता करवाया, लेकिन कहीं भी कुछ पता नहीं चल पाया। जानकारी के मुताबिक तीनों लड़कियाँ आपस में सहेली हैं, हालांकि तीनों के घरों में काफ़ी दूरी है। यह तीनों स्कूल में मिली और वहीं से लापता हो गईं। बताया गया कि शनिवार को हाफ डे था, जिसकी वजह से स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई, लेकिन लड़कियां घर नहीं पहुंची थी। लापता लड़कियों में से जब रूही के घर पर फोन गया तो उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया, तब अन्य दोनों लड़कियों के परिजनों को भी उनके लापता होने की जानकारी हुई। फिलहाल 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक लड़कियों का कुछ पता नहीं चला है। रूही गुप्ता की मां ने बताया कि तीनों लड़कियां एक ही क्लास में पढ़ती थीं। सुबह 8 बजे करीब मेरी बेटी स्कूल गई थी, जहां तीनों लड़कियों की मुलाकात हुई। कुछ देर बाद स्कूल से कॉल आया कि आपकी बेटी आज स्कूल नहीं पहुंची है, जिसके बाद हम लोगों को मामले की जानकारी हुई। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है, अभी तलाश चल रही है, कुछ पता नहीं चल पाया है। SP खीरी विजय ढुल लापता छात्राओं के परिजनों और दोस्तों से पूछताछ कर रही है। स्कूल और घर के पास लगे CCTV कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि मिले सुरागों के आधार पर जल्द ही लड़कियों की बरामदगी कर ली जाएगी। जयप्रकाश ने बताया कि काजल के परिवार वालों ने किसी पर शक जताया है, जिसके आधार पर पुलिस ने उन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्होंने बताया कि तीनों सहेलियों के घर के बीच लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। लापता रूही की मां ने बताया कि काजल जब कक्षा 8 में थी तब वह होली के बाद एक बार घर आई थी, जबकि शांति का 9वीं क्लास में नया एडमिशन है।